हम पाकिस्तानी अक्सर लंदन से जाके शॉपिंग करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जिनको ब्रांड्स का नॉलेज होता है लंदन में अच्छी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। तो ये लंदन की हकीकत क्या है? इधर से हमने ऐसे डालना है, इसको ऐसे करके ऐसे डालना है, इसको अंदर चला जाएगा। आज मैं एक्सप्लोर करूँगा कि लंदन यूरोप से कैसे जाता है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, I go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life cause I don't. Assalamualaikum guys, it's me, Seif Khan, and you're watching Haseen Informative Video. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लंडा क्या होता है। ये पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं लंडे की, जैसे हर सिटी में ही पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शूज़ की लंडे की मार्केट्स होती हैं, और ड्रेसिंग की, जैकेट्स की, हर चीज़ की, ब्रांडेड चीज़ों की काफ़ी वहाँ पे लंडे में मांग होती है, और काफ़ी लोग जाते हैं और जाके ख़रीदते हैं वहाँ से चीज़ें। लेकिन उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है या कि ये कहाँ से आती है। काफ़ी सवाल उठते हैं इस पर कि भाई ये आखिर लंडा आता कहाँ से है। काफ़ी हम लोगों की झुकते होती हैं कि भाई लंदन से आई है और ये हो गया। तो मैं बताऊंगा आज की वीडियो में कि ये लंडा कहाँ से आता है, ये पाकिस्तान में कैसे जाता है, और यहाँ के गोरे लोग कैसे इसको देते हैं, और किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस वीडियो में देखें आप, अक्सर हम पाकिस्तानी काफ़ी जो हैं जिनको इन चीज़ों का इल्म है लंडे का, महंगी चीज़ें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ओबियसली जो एक चीज़ आप लंडे से 1000 रुपये की लेते हैं वो यहाँ की हकीकत, जो मैं यूरोप लाइफ में रह रहा हूँ तो वही चीज़ हम यहाँ पे 60-70 यूरो या 100 यूरो या इसके भी ऊपर से अच्छे ब्रांड्स की बहुत महंगी होती हैं, जो पाकिस्तानी नॉर्मल चीज़ यहाँ के 20-25 हज़ार रुपये की होती है। तो वहाँ पर आपको वही चीज़ 1000 में पड़ जाती है तो आप लोग खुश हो जाते हैं। ओबियसली सेकेंड हैंड होती है, यूज़ ही होती है, लेकिन यहाँ पर रूल है ये, आपको लोग ऐसी चीज़ आपको नहीं देंगे जिसमें डिफॉल्टर या कोई। तो आज मैं आपको ऐसा बॉक्स दिखाऊंगा, ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसमें हम लोग यहाँ से, हमें जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती। आज मैं वैसे ही निकला था, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी तो वो चीज़ें मैंने उस बॉक्स में डालनी थी, तो मैंने कहा चलें इस पर एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव बना दूँ आपके लिए। आप लोग अक्सर कहते रहते हैं कि अपनी वहाँ की लाइफ के रिलेटेड वीडियो बनाते रहा करें, हमें दिखाते रहा करें, तो मैं इसमें बताऊंगा आपको, वीडियो बना के दिखाऊंगा कि भाई ये किस तरह हम लोग डालते हैं और किस तरह ये आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है और आगे लोगों तक जाती है। तो कुछ ड्रेसेस थे मैंने कहा जो मेरे पहनने के नहीं थे, काफ़ी टाइम से कबर्ड में पड़े थे, तो मैंने कहा इसको निकालें और प्लास्टिक में डालूँ और जाके बॉक्स में डाल के आते हैं। साथ आपके लिए भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा कि लंडा किस तरह आगे बढ़ता है। तो ये इसी तरह जो है जब हम डालते हैं इसमें तो आगे फिर ये पहले अपने लोगों को देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इदारे होते हैं जो किड्स कंपनी और ऐसे इदारे होते हैं जो बच्चे संभालते हैं, जैसे NGOs होती हैं, पहले तो उनके पास जाती हैं चीज़ें, तो उनके पास पहले जाती हैं, इनके एक वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस में पहले जाती हैं, तो कुछ उन लोगों में डिवाइड होती हैं, जो बाकी रहती हैं वो बाकी जो होती हैं वो आउट ऑफ कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ये लोग। इनके पर डिपार्टमेंट होता है, प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है इनका, और काफ़ी एक बड़ा वेयर हाउस होता है इनका जिसमें ये सारी जर्मनी और यूरोप का जो है चीज़ें वहाँ जाती हैं। यूरोप की हर कंट्री का अपना अपना हिसाब होता है, हर कंट्री का एक वेयर हाउस होता है जहाँ से फिर आगे ये डिफरेंट कंट्रीज़ की NGOs को देती हैं चीज़ें। और वैसे ये जाती फ्री हैं चीज़ें, लेकिन हमारे पाकिस्तान में पता नहीं ऐसा क्यों है कि जब ये चीज़ें जाती हैं वहाँ पे तो आगे, तो ये भारत, इंडिया, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका की कोई कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका वाली साइड पे जैसे लोगों के पास कपड़े पहनने के नहीं होते तो वहाँ पर ये लोग बेचते हैं लॉट्स, काफ़ी बड़े बड़े चीज़ें उसमें डाल के, जिसमें शूज़, कपड़े और इन चीज़ों, ये चीज़ें सारी मिक्स होती हैं, वो डाल के बेचते हैं उन कंट्रीज़ में। उनको ये वैसी खैरात सदका जो होता है उस तरह से यहाँ से जाता है, लेकिन आगे इन कंट्रीज़ ने, इन्होंने एक हिसाब बनाया होता है कि भाई 1000-2000 रुपये की चीज़ें बेचने, आगे लॉर्ड्स की तरह ये बिकने लग जाता है सामान। ये देखें जी कितना प्यारा वेदर हो रहा है,
मेरे पीछे बाहर आ चुके हैं माशाल्लाह जर्मनी में ये फ्लावर्स। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, there's nothing that makes me happy. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. And I'm not even that pay. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Like this we have to इधर से हमने ऐसे डालना है, इसको ऐसे करके ऐसे डालना है, इसको अंदर चला जाएगा। इस तरह हम इसमें चीज़ें डाल सकते हैं जो भी पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। इस तरह पार्सल डालते हैं यहाँ से, जो भी चीज़ डालनी हो, जो कपड़े यूज़ के लिए किसी के लिए भेजने, ऐसे करते हैं तो ये अंदर इस बॉक्स में चला जाता है या बॉक्स के वेयर हाउस में जाते हैं। वेयर हाउस के बाद ये डिफरेंट कंट्रीज और अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना और ये बॉक्स दिखा सकते हैं। कैन यू शो द बॉक्स? ये थ्री बॉक्स हैं, इनकी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बॉक्स हैं, शूज़ ड्रेसेस और शूज़ के लिए और ड्रेसेस के लिए। ओह, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मौसम देखें, बहुत प्यारा हो रहा है पीछे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अगर मैं फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देखें सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।